हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अन्नपूर्णा मंजू की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मावा रोल बर्फी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बाज़ार में काफ़ी महंगी मिलती है। इसको हमने घर पर ही बनाकर तैयार किया है। देखिए, ये जितनी देखने में अच्छी है उतनी ये खाने में भी अच्छी है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ गैस पर एक पैन रखा है और 200 ग्राम हमने यहाँ खोया लिया है। हमने ये यहाँ घर का बना हुआ खोया लिया है। इसको हम यहाँ भूनेंगे। जब हम ये मावा निकाल रहे थे तब हमने इसको ज़्यादा टाइट नहीं किया था। अब हम इसको मावे को भून लेंगे और भून कर हम इसको थोड़ा टाइट कर लेंगे। ये देखिए, ये घर का बना हुआ मावा है, किस तरह से ये घी छोड़ रहा है। घर के बने मावे की मिठाई काफ़ी अच्छी लगती है। ये है कि इसमें थोड़ी मेहनत तो लगती है मावा निकालने में, पर मिठाई काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हो जाती है घर के मावे की। इसको हम यहाँ लगातार चलाते रहेंगे ताकि पैन में ये नीचे ना लगे। ये देखिए, हमने मावे को भून कर टाइट कर लिया है और ये कुछ दानेदार सा हो गया है। इसी से हमारी ये मावा रोल बर्फी अच्छी बनेंगी। और इसको हमने यहाँ ठंडा कर लिया है। अब हम इसमें लेंगे यहाँ 1 कप बूरा, चीनी का पाउडर। अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप मिक्सी में डालकर उसका इस तरह से पाउडर बना सकते हैं पीस कर। 1/4 कप हमने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर लिया है, नारियल का बुरादा, और 1/2 चम्मच हमने यहाँ इलायची पाउडर लिया है। इन सभी को डालकर हम अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे। बूरा को हम मावे में अच्छी तरह से मिला लेंगे। इस टाइम इसमें खुशबू भी काफ़ी अच्छी आ रही है, क्योंकि इसमें इलायची पाउडर डाला था, उससे एक अलग ही खुशबू आती है। ये देखिए, हमने इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अब हाथ से हम इसको रोल कर लेंगे। हमारी ये बर्फी कुछ दानेदार ही बनेगी। इस तरह से हम इसको रोल करेंगे। ये देखिए, इस तरह से जन्माष्टमी आ रही है। आप भी इस तरह से जन्माष्टमी पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, हमने मावा रोल बर्फी सभी बनाकर तैयार कर ली है। अब हमने यहाँ लिए हैं कुछ सफ़ेद तिल। वो इसमें हमने यहाँ डाला है, कुछ हमने यहाँ डाला है सब पिस्ता का पाउडर। ये सब डालने से कलर भी अच्छा आएगा और खाने में भी ये ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तिल को डालने से हमारी इस बर्फी का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब हम इस तरह से रोल को इस पे कोट कर लेंगे। तिल और पिस्ते को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। ये देखिए, इस तरह से हमने कोट कर लिया है। आप भी एक बार इस तरह से ये बर्फी बनाकर ज़रूर देखना। अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ कमेंट भी करना। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे रोल को कोट कर लेंगे। और इस मिठाई को बनाना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। ये मिठाई बाजार से कहीं ज़्यादा अच्छी बनी है। जब भी आपका मीठे खाने का मन करे आप इस तरह से मिठाई बना। ये देखिए, इस तरह से हमारे मावा बर्फी रोल बनकर तैयार हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।